भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मंगलवार को गंगादियारा इलाके में मक्का की खेती को लेकर विवाद में हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 20 फरवरी को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना के दियारा में मक्का की खेती को लेकर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक की निगरानी एवं सिटी डीएसपी के नेतृत्व में नाथनगर, बरारी, औद्योगिक प्रक्षेत्र, इस्माइलपुर, सीआईटी एवं एसटीएफ की टीम द्वारा संयुक्त छापेमारी अभियान चलाई गई। छापेमारी के क्रम में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान शीतांबी मंडल के पुत्र गुटरंगा मंडल उर्फ सुनील मंडल और आलापुर निवासी महेश्वर मंडल के पुत्र कुंदन मंडल के रूप में हुई है। बता दें कि औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत बरारी घाट के उस पार मक्का के फसल को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुई थी, जिसमें 25 राउंड फायरिंग की गई थी। गोलीबारी की आवाज से समानांतर पुल का निर्माण कर रहे कर्मी एवं अन्य लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान चलाकर दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित 2024 मैट्रिक की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को अंग्रेजी विषय की परीक्षा के साथ संपन्न हो गई। बिहार के 38 जिला में मैट्रिक परीक्षा को लेकर बनाए गए कुल 1585 परीक्षा केंद्रों पर 16,94,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया। वहीं दो पालियों में आयोजित मैट्रिक की परीक्षा के दौरान बुधवार को परीक्षार्थियों ने अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी और परीक्षा संपन्न होने के बाद छात्र छात्राओं के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिली। परीक्षार्थियों ने कहा कि उन सभी को बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद है, जबकि अब वे सभी परीक्षा के बाद कुछ दिन का ब्रेक लेकर आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिससे उन्हें सही समय पर मार्गदर्शन मिल सके और वे सभी अपने करियर का लक्ष्य पूरा कर सके। बता दें कि शिक्षा विभाग और बीएसईबी की ओर से कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए मोबाइल समेत किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को परीक्षा केंद्र पर ले जाने की मनाही थी। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से काफी तैयारियां भी की गई थी। वहीं भागलपुर जिले के सभी 57 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा आयोजित हुई, जबकि भागलपुर शहरी क्षेत्र में बनाए गए 41 परीक्षा केंद्रों पर 53,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया। जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कई सकारात्मक कदम उठाए गए। यातायात को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया। साथ ही यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों से ऑनलाइन चालान भी वसूला जा रहा है। इसके बावजूद आमतौर पर शहरी क्षेत्र में जाम की स्थिति अक्सर बनी रहती है। ऐसा हो भी क्यों ना, जब पुलिसकर्मी ही यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। घटना बुधवार की है, जहां शहर के बीचों बीच भावना होटल के समीप एक पुलिसकर्मी ने ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल पर बात करने के दौरान स्कूटी चालक को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल पर बात कर रहे पुलिसकर्मी का ध्यान भटक गया और स्कूटी पर सवार मां बेटे को पुलिसकर्मी ने जोरदार ठोकर मार दी। घटना के बाद सड़क पर कई घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। स्कूटी चालक ने बताया कि सड़क पर कार चलाते वक्त पुलिसकर्मी फोन पर बात कर रहे थे। जब उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया गया तो उन्होंने बोला कि सीनियर का कॉल है तो बात तो करूंगा ही। अब सवाल यह उठता है कि यातायात नियमों का पालन करना क्या सिर्फ आम लोगों की जिम्मेदारी है? सर का फोन हो या मैडम का, सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर बात करने में क्या हर्ज थी? खुद नियम का उल्लंघन भी किया और दूसरों को ठोकर मार कर उसका नुकसान भी। बता दें कि आम जनता की पर्ची तो अब तक कट चुकी होती, पर देखने वाली बात यह होगी कि उस पुलिसकर्मी पर विभाग क्या संज्ञान लेती है। कौन से फोन चला रहा है ये, और इसको हम और ये दोनों हॉर्न देते आ रहे हैं और ऐसे ऐसे काट रहा है ये, तब से रुके थे फोन चला रहा था कि नहीं? भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में चार सूत्री मांगों को लेकर अमरण अनशन के छठे दिन अनशनकारियों की हालत खराब होने पर भागलपुर स्टेशन के डायरेक्टर हृदय नारायण मालदा डिवीजन के डीआरएम प्रतिनिधि बनकर अनशनकारी अधिवक्ता राजकुमार से मुलाकात करने पहुंचे, जहां हृदय नारायण ने अनशनकारियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनसे अनशन तोड़ने की बात कही, पर अपने जिद पर अड़े अधिवक्ता ने मांग पूरा होने पर ही
अनशन तोड़ने की बात कही। इस दौरान पूर्व बांका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव के प्रतिनिधि अरविंद यादव ने भी अनशनकारियों की हालत को देखते हुए जयप्रकाश नारायण यादव से दूरभाष पर अनशनकारी अधिवक्ता राजकुमार की बात कराई। वहीं पूर्व बांका सांसद ने अधिवक्ता की मांग को जायज बताते हुए उनके साथ होने की बात कही। इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और अनशनकारी अधिवक्ता से बात किया। इस दौरान दर्जनों राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर अभी जांच किए तो चंदन कुमार का थोड़ा बुखार की प्रॉब्लम है, एक घंटे से बुखार का सेवरिंग के लिए बोल रहे हैं वो। बाकी जांच में तो सबकी नॉर्मल लग रहा है। बुखार जांच के लिए हमको जितने टेस्ट करवाने वो करवा के चेक करेंगे और जैसी रिपोर्ट आएगी सबसे दवाई करेंगे और हो सकता है इनको भागलपुर मतलब रेफर करना पड़े। प्रभाग ये पूर्ण है कि ट्रेन के आला अधिकारी या सक्षम अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज देखिए कि 6 दिन से ये अनिश्चितकालीन अनशन पे है, कितनी हालात बिगड़ गई है। उसके बावजूद भी रेलवे के आला अधिकारी सक्षम अधिकारी या मंत्रालय ही इस पर ध्यान नहीं कर रहे, इसको अमल में नहीं ला रहे। क्या कुमकर्णी नींद में सोई है रेल प्रशासन? क्या वो मरने का इंतजार कर रही है? मैं बता देना चाहता हूँ ये धीरे धीरे जो है ये स्वरूप उग्र आंदोलन के रूप में हो जाएगा और अनिश्चितकालीन अनशन का कारवा बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए रेल प्रशासन से नम्र निवेदन है, ये जो जायज मांग है, जनहित की मांग है, वो विलम्ब इसे सुने। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में 403 मांगों को लेकर अधिवक्ता राजकुमार के द्वारा अमरण अनशन के 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं धरना स्थल पर बैठे जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार एवं समाजसेवी देवेश पोद्दार ने कहा कि 403 मांगों में रेलवे द्वारा एक ट्रेन अगरतला देवघर एक्सप्रेस का ठहराव दिया गया है, जबकि अभी और भी मांगों पर अनशनकारियों की बात अटकी पड़ी है। वहीं अनशन कर रहे अधिवक्ता राजकुमार ने कहा कि SDO एवं रेल विभाग के अधिकारी हमारी मांगों की स्वीकृति का आदेश दिखा दे और रेलवे के DRM एवं ADRM धरना स्थल पर आकर कार्यों की स्वीकृति दे, तभी धरना समाप्त की जाएगी। इस दौरान सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन के कई सदस्य मौजूद थे। धरना का आज 7वां दिन है और हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंच भी गई है, ADRM से आज बात भी हुई, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 20 फरवरी 2023 को जो हमने आवेदन दिया था, धरना दिया था, आज एक साल पूरा हो गया, रेल प्रशासन क्या कर रही है? हम तो उसकी कार्रवाई की कॉपी मांग रहे हैं और आप है कि चुपचाप बैठे हुए हैं। इधर जिला प्रशासन की तरफ से SDO साहब से बात कराई गई, DM साहब चुनाव में व्यस्त हैं, वो है नहीं यहाँ। हमको कोई सटीक जवाब मिलेगा तब न कोई हम भी उचित निर्णय लेंगे। कोई जवाब नहीं मिल पाया अभी तक। ADRM साहब बोले कि हम कार्रवाई की कॉपी आपको प्रोवाइड कराएंगे, बस उसी का इंतज़ार है। और देखिए, धरना पर हम 7-8 दिन से बैठे हुए हैं और जब तक कोई वरीय पदाधिकारी रेलवे के DRM साहब या ADRM साहब नहीं आ जाते हैं तो हम धरना
तोड़ने में वो सक्षम हो पाएंगे। हमको खराब लगता है भाई, 8 दिन से हम भूखे बैठे हुए हैं और कोई बड़ी पदाधिकारी यहाँ आकर के मतलब कि सूद लेने तक नहीं आए। ये मजाक बना कर रखे हैं या फिर आप मजाक बना रखे हैं या फिर किसी सरकार के आदमी के दबाव में आप हैं।